अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन और गोभी का कोरमा। ये मैंने आधा किलो चिकन लिया है, उसे अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। बड़ी कटोरी गोभी, फूल गोभी है, इसे मैंने नमक डालकर बॉईल कर लिया है। दो टमाटर कटे हुए, छोटी प्याज, दो से तीन हरी मिर्च, एक छोटी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ा हरा धनिया, एक लाल मिर्च, सड़े मसालों में तेज पत्ता, इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, 8 से 10 काली मिर्च, लौंग। सूखे मसालों में 1 बड़ा टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, तला हुआ प्याज, काजू बादाम मैंने ग्रेवी के लिए इस्तेमाल किया है। एक पैन लिया है, पैन में तेल गर्म हो गया है। ये तेल में मैंने ऑनियन को फ्राई कर लिया था, वही तेल मैं चिकन फ्राई करने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। जो जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने लिया था उसमें का आधा हिस्सा मैं इस चिकन को फ्राई कर लिया। हमारा चिकन, अब इसमें हमारा चिकन डालेंगे। चिकन को ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसमें थोड़ा मैं नमक मिला लूंगी ताकि चिकन हमारा नमक पकड़ ले। चिकन को हम इसका पानी सूखने तक फ्राई कर लेंगे। धीमे आंच पर फ्राई कर लेंगे तो वो 50% तक वो कुक हो जाएगा। चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है, अब इसे हम एक डिश में निकाल लेंगे। अब हम टमाटर और ब्राउन ऑनियन को पीस लेंगे। एक जार लेंगे, जार में मैंने ये जो हरे धनिये के डंडिया है उसे डाल लिया है, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब ये हमारा कटा हुआ टमाटर, तले हुए प्याज, काजू बादाम, इसे फाइन पेस्ट में पीस लेंगे। अब हम हमारे मसाले डाल लेंगे। पैन में, वही पैन है उसमें जो चिकन को फ्राई करके बचा हुआ था वही तेल को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें हम पहले खड़े मसाले डालेंगे, तेज पत्ता, लौंग, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, जो साबुत मिर्च ली थी मैंने वो, इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। इसमें प्याज डालेंगे, प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे। प्याज और सूखे मसाले हमारे खड़े फ्राई हो गए हैं। इसमें हम हरी मिर्च और शिमला मिर्च को डालेंगे। अब इसमें हमारे सूखे मसालों को डालेंगे। मसाले फ्राई हो गए हैं, अब इसमें मैं जो उबला हुआ हमारा फ्लावर है उसे डाल लूंगी।
चिकन को हमने अलग से फ्राई कर लिया है, इसे सिर्फ बॉईल किया था, इसे मसाले में अच्छे से सौते कर लेंगे। इसमें थोड़ा पानी मिला लेंगे। गोभी फ्राई हो गई है, इसमें चिकन को मिला लेंगे। इसमें अब अदरक लहसुन का पेस्ट और जो टमाटर और तले हुए प्याज की प्यूरी बनाया था बादाम काजू की, उसको हम इसमें मिला लेंगे। अब इसमें एक कप के करीब मैं पानी ऐड करूंगी और 2 मिनट तक इसे धीमी आंच पर पकने दूंगी ताकि जो मसाले हैं गोभी और चिकन में जज्ब हो जाए। अब इसे ढककर वेट करूंगी। चिकन का जो प्यूरी मसाला हमने लगाया था वो पक गया है। इसमें थोड़ी लाल मिर्च मुझे कम लग रही है और आधा टेबलस्पून इसमें लाल मिर्च को मिला लूंगी। जो हमारा फाइनल टच है वो दही, उसे मैंने फेंट कर रखा हुआ है, 1 कटोरी है लगभग, इसे मैं इसमें मिला लूंगी। अब इसमें थोड़ा हरा धनिया डाल दूंगी। अब इसे अच्छे से मिलाकर दो से तीन मिनट के लिए अच्छे से इस मसाला पूरा पकने तक इसे धीमे आंच पर दम पर छोड़ेंगे। प्लीज हमारी वीडियो आप एंड तक देखिए और मेरा चैनल हयात किचन को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर कीजिए। ये देखिए अब बिल्कुल पक गया है हमारा चिकन और गोभी का कोरमा। अब इसे हम डिश आउट कर रहे हैं। ये देखिए बनकर तैयार है फूल गोभी और चिकन का मजेदार कोरमा। आसान सा, आप जरूर एक बार ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।